नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। खबर गाजीपुर से है, जहां बीती रात शॉर्ट सर्किट से आग लगने के कारण लाखों का सामान जलकर हुआ खाक। आपको बता दें कि यह पूरा मामला ग्राम पर सही सकरा थाना कोतवाली गाजीपुर का बताया जा रहा है। इस घटना में किसी को झुलसने की सूचना नहीं है। बताया जा रहा है कि घर में परिवार के लोग नहीं थे, सभी लोग खेत पर काम करने गए थे। पड़ोस के लोगों ने सूचना दी, तब आनंद फानन में घर के लोग पहुंचे, तब तक आग बेकाबू हो गया था। ग्रामीणों की मदद से आग पर काबू पाया गया, तब तक बहुत देर हो चुकी थी और घर का सारा सामान जलकर राख हो गया। परिवार के लोगों ने आर्थिक सहायता की मदद की गुहार लगाई है। न्यूज 9 भारत के लिए महताब आलम की खास रिपोर्ट। आग लग गया घर में, काबल भल कैसे लाइन लग गई थी का होगल भैया, हम तो ना रह हमारा कुछ संपत्ति भैया जल गल है, कुछ हमारे कुछ आमदनी ना हुआ, का खा जाए पड़ल पड़ल जाए। घर में कौन कौन सा सामान जला है? हमारी यह कूलर है, पंखा है, फ्यूज है, बेड है, कपड़ा भैया कुछ जल गला। मैया कौन हम क्या हुए कि हम पहिर जाइए हमने का। तो आप सरकार से क्या चाहती हैं? कुछ सरकार आमदनी कर दामनों के आधार दा कुछ हो, कैसे जिए जाए। ठीक है भैया, मेरा नाम अवधेश यादव है, इसी गांव का रहने वाला हूँ। अवधेश जी, आपके गांव में आग लग गई है, कैसे पता चला आप लोग को, क्या मतलब क्या कहेंगे आप? रात में 11:30 बजे के लगभग में शोर शराबा हुआ, आग लगने का हम लोग को खबर चला और हम लोग मौके पर आए, आग को बुझाए। तो ऐसे में क्या क्या जैसे नुकसान हुआ है इन लोगों का? इनका नुकसान कम से कम 2 से 2.5 लाख रुपये का नुकसान हो चुका है। टीवी, फ्रिज, कूलर, बेड और गद्दे रजाई जो भी हैं, इस तरह का इनका उनका लगभग 2.5 लाख रुपये के लगभग नुकसान हो चुका है। तो ऐसे में बताया जा रहा है कि घर पे कोई नहीं था, तो ऐसे में आप क्या कहेंगे कि मतलब कोई बहुत बड़ा हादसा भी हो सकता था अगर लोग परिवार से, अगर ये लोग नहीं थे, अगर रहते तो बहुत बड़ा हादसा हो सकता था। हादसा से लोग बच चुके हैं और इनका नुकसान तो हो चुका है। दीजिए, मैं मनोज यादव समाज सेवी, रिवर बैंक कॉलोनी पत्थरघाट। मनोज भाई, आज जो है आपके गांव में घटना घट गई है। आज गांव में नहीं, हमारे रिश्तेदार हैं, हमारी बुआ हैं, हमको सूचना मिला तो मैं आया यहां पे, लेकिन मुझे ये सूचना ये भाई ने बताया कि शॉर्ट सर्किट हुआ, लेकिन आने के बाद मुझे कोई भी संभावना ये नहीं मिला कि किस तरह से आग लगा हुआ है, इसलिए कि मौके पर कोई था नहीं। अगल बगल लोगों से जानकारी हुई कि यहाँ आग लग गया है, तो फ़ोन द्वारा भाई को सूचना मिला तो मौके पे आया, तो इसका किसी का भी सामान जलने के बाद किसी का मानसिक स्थिति जो होता है खराब हो जाता है, इसका मौके पे दिमाग नहीं काम कर रहा था, तो अगल बगल के लोग ने आग को बुझाया। अब किस तरह काबू किया, मौके पे मौजूद नहीं थे। हमें घटना का सूचना, बुआ हमारे घर पर ही थी, जैसे सूचना मिला तो हम अपने बुआ को ले कर आए, देखे कि यहाँ पूरा सामान जल के राख हो गया। अब कैसे आग लगी इस चीज़ को जानकारी नहीं है। तो ऐसे में किसी अधिकारी से आपकी बात हुई है? अधिकारी हमारे मौके पे, मैं ग्राम प्रधान को भी फ़ोन किया और तहसीलदार साहब को भी फ़ोन किए, मैडम एसडीएम साहब से भी हमारे पत्रकार के द्वारा बात हुई, लेकिन वो लोग आए, अब क्या पढ़े क्या लिखे इस चीज़ की जानकारी नहीं है। तो ऐसे में आप चाहते क्या भाई? हम यही चाहते हैं कि ये लोग गरीब आदमी है, आप लोग खुद मौके पे मुआयना किए और देख भी रहे हैं, इनको जो भी कुछ लाभ हैं जो भी सरकार द्वारा उसको पूरा हो जाए, यही हमको जानकारी चाहिए, यही हमको लाभ चाहिए। महावीर यादव, कहाँ गए हैं आप, किस गांव? क्या पूरा मामला है, कैसे आग लगी है? आग लगी है लाइट से, स्टार्ट कर दिया लाइट से, आग लग गई है और जल गया है, और जला है क्या क्या कहना, सारा सामान जल गई है, बेड ओड, कूलर, फ्रिज, अलमारी, कुकर, फ्रिज कुल जल गया है। तो कैसे आपको पता चला कि आग लगी है? हम लोग पानी बना कर गए थे,
और वहाँ पे आए थे हम तो पता लगे कि शॉर्ट करके लाइट से जल गई थी। तो ऐसे में आप चाहते क्या हैं? हम चाहते हैं कि हमको यही चाहते हैं कि हमको कुछ सरकार से सहयोग मिल जाए। तो इसमें किसी की कोई घटना उठना घटना किसी की नहीं, हमको सहयोग चाहिए, हमको कुछ मिल जाए, हम सोच रहे हैं यही सोच रहे हैं कुछ मिल जाए। यहाँ खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता, सिर्फ और सिर्फ बने रहिए न्यूज़ 9 भारत पर। अब चाहूंगा इजाजत, नमस्कार।